लीजिए। हेलो हेलो भाई जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि संडे और मंडे कोई मायने नहीं रखता है, समझ लीजिए हमारी बात को। हमारे पिताजी भी सर्विस में थे तो उनको महीना में मात्र एक संडे मिलता था, और जिस दिन वो संडे मिलता था उस दिन वो खुश हो जाते थे। इसका कारण यही था कि जिस दिन संडे का वो ड्यूटी मिलता था उनको, उनको 2000 रुपया मिलता था एक संडे का। तो संडे से कोई मतलब नहीं है। यदि मान लीजिए कि जिस दिन संडे को ड्यूटी मिलता है ऑपरेटर को, अगर उसको डबल तनख्वाह मिलता है तो उसको करने में क्या दिक्कत है? तो तनख्वाह मिल कब रही है उसका, उसका नहीं मिलता है ना? हाँ तो उसका मिलेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। ऑपरेटर खुशी से करेगा। हाँ, यही बात सही है कि ऑपरेटर अपने मन से करेगा, ये नहीं कि उसके उससे जबरदस्ती करवाया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। दूसरी बात एक और है ना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि संडे का मतलब ये होता है कंपनियों में, कुछ कंपनियों में चलो ठीक है ओवर टाइम दे दिया, संडे का जो डबल करके दे दिया, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी है, कोई कंपनी मुझे L&T और तुम्हारा एपको GRHG या क्या नाम है एटकोन, और बहुत कंपनी ऐसी है PSK इंफ्रा है, कोई सी कंपनी में ये गिना दो कि संडे का डबल पेमेंट करके दे रही हो किसी भी ऑपरेटर से, अगर तुम्हारी बात नहीं दे रहा है तो उसमें उसका अलग से एक नियम बनाया जाएगा, समझे? हाँ अलग से एक नियम होगा कि मान लीजिए कि यदि कोई आदमी संडे को काम करता है तो उसको उसका जो है ओवर टाइम का पैसा मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो वो कैसे करेगा? तो यही तो मैं कह रहा हूँ। ओवर टाइम को तो छोड़ ही दो, चलो संडे हमने छोड़ दिया, हफ्ते में ऑपरेटर हो चाहे ड्राइवर हो, हफ्ते में एक दिन रेस्ट होना अनिवार्य है। बात सही है, बात सही है। अगर काम मिलता है तो उसको डबल। बड़े भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, उसके ऊपर निर्भर करता है ना, ऑपरेटर के ऊपर निर्भर करता है कि वो काम करेगा या ना करेगा। हाँ हाँ ये बात ठीक है। ये बोले जिस ऑपरेटर की इच्छा है वो इच्छा कर सकता है। बस यही बात है, जिस ऑपरेटर की इच्छा है वो करेगा, जिसको इच्छा नहीं है, मान लीजिए कि तबीयतें खराब है तो कैसे करेगा उस दिन? हाँ ये तो, हाँ तो उसके लिए अलग व्यवस्था किया जाएगा, काहे घबराते हैं? नहीं नहीं तो भैया तो ठीक है, हम इधर जिला मुरादाबाद से बात कर रहे हैं, जो भी हमारे लायक सेवा भैया हम तैयार हैं, बाकी आप लोग शिक्षित हो तो सब कम से कम ठीक है, इसका सदस्यता ग्रहण कीजिए, ठीक है। अभी अभी हम लोग जो वहाँ पर गए थे आपका बरही में ना, वहाँ पर एक ऑपरेटर थे, उनका नाम है कमरुद्दीन और पिता का नाम अब्दुल रहमान, बुढ़िया डाबर पुथ ग्राम है ना, और उसके बाद चौपारण वहाँ थाना में पड़ता है, हजारीबाग झारखंड है। हाँ झारखंड है हजारीबाग। हाँ हाँ तो वहीं पर एक ऑपरेटर की मृत्यु हो गई है, जिसमें मतलब कि पैसा वैसा उनको दिया गया है संस्था की ओर से 25,000 रुपया, और लोग 50-200-400 करके लोग कुछ दिए थे तो नगद दिया गया है उनको, साड़ी उड़ी वगैरह दिया गया है ना। तो कहने का मतलब है कि जहाँ वो काम करते थे वहाँ तो अभी संस्था पूर्ण रूप से मतलब अपना नींव खड़ा की है ना, जैसे जैसे इसका रूप बढ़ता जाएगा उस राशि जो है किसी को न हो कि मतलब कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कि धरती पर आए हैं हम लोग, आए हैं तो मरना निश्चित है, वो तो फिक्स है। बस वो तो बात सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अभी ये कंपनी थी HG इंफ्रा जी, HG इंफ्रा इधर तुम्हारा रेवाड़ी राजस्थान में काम कर रही थी, तो यहाँ एक लड़का था इधर का, क्या बोलते हैं तुम्हारा रायबरेली साइड का था, रोलर ऑपरेटर जी जी, तो वो ऊपर से रोलर गिरने की वजह से वो नीचे दबके वो मर गया था। सुनिए, अगर मान लीजिए कि वो सदस्यता ग्रहण किया रहता, ठीक है, यहाँ सदस्यता ग्रहण किया रहता तो हम लोग उसको पूरा कोऑपरेट करते, हमारे पास हमारे संस्था के पास जितनी शक्ति होती ना उसके हिसाब से हम लोग उसको अपना मदद पहुंचाते, और वहाँ जो मालिक उसको खटवा रहा है ऑपरेटर को ना, उसके माध्यम से भी हम लोग अनुदान बिल्कुल दिलवाते, ये फिक्स है ना। तो सही है, जो भी हमारे लक्ष्य है भैया जी, थोड़ा ना ना यही बात है। और सबसे बड़ी बात हाँ। है ये है कि अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है, ठीक है, बस 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 हाँ, तो बस, अकेले बस, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें सदस्य बनिए आप लोग, और अलग से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक वकील हायर करने जा रहे हैं, समझे? अच्छा 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 जी जी, जो किसी भी ऑपरेटर का यदि पैसा यदि फंसता है कहीं पर तो वहीं से डील होगा, और ऑपरेटर भाई को पैसा पहुंचाना पड़ेगा मालिक को या कंपनी को जिस कंपनी में वो आदमी काम करता है।
समझे, ये बहुत विकराल रूप पकड़ेगा, आप इसका सदस्यता ग्रहण कीजिए ना, और इसका जानकारी लेते रहिए कि ये कंपनी ऑपरेटरों के लिए क्या कर रही है। यही बात है, और उसके बाद काम नहीं मिलता है तो काम कंपनी आपको खुद दिलवाएगी, आपके इच्छा अनुसार तो नहीं हो पाएगा, यदि संभव होगा तो हो भी सकता है, नहीं भी। मान लीजिए कि आप पंजाब में काम करना चाहते हैं, पंजाब में अगर ऑपरेटर की जरूरत नहीं है तो अगल बगल में मिल जाएगा ना। मान लीजिए कि आपका आपका घर राजस्थान है, राजस्थान में काम करना चाहते हैं तो राजस्थान में खाली जगह मिलेगा तब ना आपको दिया जाएगा। वही बात है, तो ये जो है कहने का मतलब ये है कि विस्तार धीरे धीरे होगा ना। अभी मान लीजिए कि प्रयास किया जाएगा कि आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान में ही काम दे दिया जाए, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। जितने भी रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे, इसका जो अपना जो सदस्यता के लिए जो क्या क्या प्रोग्रेस है जी, सदस्यता ग्रहण करने के लिए इसमें मतलब पहले तो 500 रुपया में हो जाता था, समझे, लेकिन अभी मैंने इस जो है एक मीटिंग हुआ है झारखंड में, जो पैसा दिया गया है ना उनको अब्दुल रहमान कमरुद्दीन को, उसमें आपको 1-4 से मतलब कि अलाउ हो गया है, तभी वहाँ के सदस्य जो थे ना उन्हीं ने प्रस्ताव किया कि नहीं 500 रुपया से क्या होने वाला है ना, इसलिए 1,000 रुपया 1-4 से कर दिया गया है। यदि आप अभी अब कराते हैं सदस्य बनते हैं तो 500 रुपये में हो जाएगा, नहीं तो 1-4 के बाद आपको 1,000 रुपया देना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके लिए आधार कार्ड वगैरह जो है वो आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताओ, इसका जो है अपना इसकी वैलिड यानी कि इसका जो है वैलिड कब तक रहेगा, कब तक के लिए बनेगा ये? 1 साल के लिए। 1 साल? जी। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, 1 साल के लिए। सही है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बढ़िया बढ़िया है। तो ठीक है, हमारा जो है ये नंबर आप ही का है, मैं इसी नंबर पर जो व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दूंगा, और अपना जो भी है 1 तारीख में जो आपको 1,000 रुपये अमाउंट जो है आपको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, उसी हिसाब से अपना देख करके बनवा दीजिएगा, और जो भी 2-4 लोग हैं बनवा दीजिएगा। नहीं तो एक आध ऑफिस इधर दिल्ली, इधर ये हरियाणा में, इधर कोई ना कोई बैठाओ ना, एक आध इधर भी फाउंडेशन धीरे धीरे चलाओ। एक आध की क्या बात करते हैं, जैसे जैसे इसका विकास होगा पूरे भारत के जितने राज्य है सभी राज्य में एक एक ऑफिस बैठाया जाएगा। हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ, कम से कम एक अपना जो है, और उसके बाद जो संस्था संस्था के अधिनक्ष है, समझे, तो ये पागल ना हो जाएंगे अकेले काम करेंगे तो। हाँ, यही तो हम बोले। एक दिन में 2,000 कॉल आता है, यहाँ का आदमी पागल हो जाएगा जी। पागल हो जाएगा, सही बोले। तो हर राज्य का तो, अलग अध्यक्ष होगा, अलग सचिव होगा, समझे। तो अपने यहाँ का सांसद कौन है? हमारे यहाँ का, हाँ, हमारे यहाँ का जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद है। अच्छा, सांसद से मिलो, और क्या नाम है जो तुम्हारा जो अपना एक वो है, तो हाई कमान से भी बातचीत रखो। हाँ, उनको भी एक लेटर, उनको भी एक लेटर। सुनिए ना, सुनिए ना, ऐसा इसमें हाई कमान की कोई आवश्यकता नहीं है, एक तो सुप्रीम कोर्ट का वकील हम लोगों को हायर कर लेना है, पूरे भारत को दौड़ा देगा वो, समझे। हाँ, इसमें कोई पैरवी का जरूरत नहीं है, कोई पैरवी का जरूरत नहीं है। इनके पास ऑडियो भेज दीजिए, एक ऑपरेटर का पैसा जो फंसा हुआ था इनके पास ऑडियो भेजिए, इनको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई नेता की जरूरत नहीं है, ये खुदे नेता है तो क्या जरूरत है किसी नेता का। सही, जो भी मामला फंसेगा ऑपरेटर का, उस सारा ऑपरेटर का मामला जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फसला होगा, समझे। ना सही, हाँ, एगो नोटिस चले जाने के बाद संस्था या मशीन मालिक जो है ना पसेना फेंक देगा, आप घबराते कहा है। सही, मान लीजिए कि आप काम कीजिएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये कोई बात हुआ नहीं। सही बात है भाई, रात दिन एक करके मशीन चला, रात दिन एक करता तो है आदमी, काम करता है, पसेना काम गिराता है, और पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, तो आपके पास एक वीडियो ऑडियो भेजा जा रहा है, उसको सुनिए ध्यान से, उसके बाद आपको मन करेगा तो कीजिएगा, नहीं तो लास्ट में तो आपको आना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं बचेगा। ना, सही बात है। हाँ, मान लीजिए कि एक ऑडियो भेजा जा रहा है आपके पास, सुनिए उस, ठीक है, चलो चलो, ठीक है।